नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके जी के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूकेएसएससी की एक रिलीज़ नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है आपकी 72 पोस्ट के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे। और क्या है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर कितनी जॉब्स हैं, आइए जानते हैं। इस पे जो पहली जॉब है आपकी डेप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर की है, वो है आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 13, और जो उसका पे स्केल है वो है आपका 35,400 से लेके आपका 1,12,400, यानी कि 1,12,400। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपकी ग्रेजुएट, और किसी इंटर यूनिवर्सिटी या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में आपको काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कोचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, और डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं आपको बता दूं कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, और उसका जो लिंक है वो आप चेक कर सकते हो। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि ये है, ये वाला जो नोटिफिकेशन है, आप उस पर जाके अपनी जो जितनी चीज़ें हैं उसको आप चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितनी, मतलब किस कैटेगरी के लिए, जैसे कि एससी एसटी और जनरल के लिए कितनी सीट्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हो। बिकॉज़ कि अगर एक एक को चेक करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप जो आपका रिलेटेड है आप उसको चेक कर सकते हो। तो इस पे इतना ही है। और जो दूसरी बात है, इसके लिए जो आपकी एज क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 21 से लेकर 42 साल तक, और आपकी 1 जुलाई 2017 तक होनी चाहिए। अगर आप 2 जुलाई 2017 से के बाद अगर आप 42 साल के होते हो तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अगर आप 2 जुलाई 2017 को अगर 43 ईयर्स के हो जाते हो तो वो आपके लिए डिसक्वालीफाई हो जाओगे उस चीज़ के लिए, आप एग्ज़ाम के लिए। और जो उसका एग्ज़ाम है वो आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि 100 मार्क्स का ही होगा, और क्या नाम है, इस पर 1/4 आपका जो है मार्क्स कटेंगे आपके गलत आंसर करने में। और जो उसका सिलेबस है वो आपको, आपके जो सिलेबस है इससे ही रिलेटेड आएगा, आपके खेल से रिलेटेड आएगा। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो मेरी दूसरी वीडियोस पे मैंने बताया था कि जितनी सारी चीज़ें थी अब इन्होंने घटा दी हैं, और जैसे कि जनरल स्टडीज़ के बारे में या जी आपके उत्तराखंड के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते थे वो अब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो सिर्फ आपके जो हैं आपके संबंध, यानी कि जो जिस संबंध में आपकी परीक्षा की जा रही है सिर्फ उसी से ही होंगे। तो ये है इस पर। और इसका जो अभी कब एग्ज़ाम होगा इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन में लिखा नहीं गया है, और जितनी भी एलिजिबिलिटी है आप इस पे जाके देख सकते हैं अपने लिए कि आप किस चीज़ में जो है फिट हैं, किस कैटेगरी में फिट हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अभी तो इतना ही है, और मैं बता दूं कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन को फिल करना है, उसके लिए मैंने फॉर्म की जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आपकी, और ये फॉर्म जो आपको 24 नवंबर 2017 से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना है। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और आपको जाना है www.ssc.uk.gov.in पे, वहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लिक करने के लिए बोला जाएगा, आपके लिए उप क्रीड़ा अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण, सहायक लेखा अधिकारी, खेल अधिकारी, अध्यापक के लिए सॉरी, और उस पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो जो आपके फ़ोटोग्राफ है आपका 10 किलोबाइट से लेके 50 किलोबाइट तक का, 10 से लेके 50 किलोबाइट तक के बीच पे ही आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट पे होनी चाहिए, और जो कि आपका सिग्नेचर है वो 20 किलोबाइट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आपको कई बार क्या है कि फ़ोटो अपलोड करने में कई बार दिक्कत होती है कि इतना किलोबाइट का नहीं है मेरे पास, या ऐसे कम का या ज़्यादा का है, तो उससे रिलेटेड जो है मैंने एक और वीडियो बनाई है जिससे आप ईज़िली चेक कर सकते हैं, मतलब उसको इस तरीके से जैसे कि 50 किलोबाइट के अंदर अंदर उस वीडियो को बना सकते हैं। कई बार आपको मिलता है कि जो डिस्क्राइब्ड होता है आपका फॉर्मेट आप उसको नहीं बना पाते, और कई बार प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप ईज़िली इसको अपने उस पर जो है आपका साइज़, अपने फ़ोटो का साइज़ इस पर सेट कर सकते हो किस तरीके से विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, और आपको सिर्फ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। और दूसरी बात क्या है कि आप इसको ऑनलाइन ही दे सकते हो, मतलब आप इसका चालान भी फिल कर सकते हो, और या फिर आप इसको ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसको
फिल कर सकते हो। जो फॉर्म की फ़ीस है वो आपकी सामान्य कैटेगरी के लिए है 300, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC कैटेगरी उनके लिए भी 300, और जो आपके अनुसूचित जाति और जो जनजाति है दोनों SC ST के लिए वो है मात्र आपकी 150 रुपये। तो 150 रुपये की फ़ीस है आपकी, 150 रुपीज़ की SC ST के लिए, और जो अदर जो OBC और सामान्य उनके लिए 300 रुपीज़ हैं। तो 300 रुपये की फ़ीस है। आइए जानते हैं इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले आपको जाना है UKSSC की जो साइट है, आपको ssc.gov.in पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये है आपका खेल विभाग में समूह का के अंतर्गत उपक्रीड़ा अधिकारी सहायक अधिकारी, इसके बारे में आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिखाया है, सॉरी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अभी दिखाया था वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इस पर जाके क्लिक कर सकते हैं ऐसे, तो ये डाउनलोड होगी फाइल, ये आप डायरेक्ट खोल सकते हो। उसके बाद क्या है कि जो नेक्स्ट है आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फिल करनी है वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑनलाइन के लिए सीधा ही, और लेफ्ट साइड में जाकर आपको करना है एक नया रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज आएगा, और जिस पर आपको लिखा होगा वही उप क्रीड़ा अधिकारी सहायक प्रशिक्षक। उसके बाद आपको पंजीकरण हेतु यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, आपका मिडिल नेम अगर कुछ है, और अंतिम नेम जो आपका लास्ट नेम सरनेम है। तो आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे जनरल OBC, जैसे कि हम भर देते हैं यहाँ पे राकेश, यहाँ पे शर्मा, आपको पिता का नाम लिखना है कुछ भी, ऋषि, और आप जनरल कैटेगरी हैं तो जनरल यहाँ पे आप टिक कर देंगे वो ऑलरेडी होगा। अगर आप किसी आप उत्तराखंड वुमेन कोटा अगर है आपके पास तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल टिक करना होगा। उसके आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखनी होगी, यहाँ पे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से जाएंगे और आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, सपोज़ करिए 1990 मार्च, 1980 और मार्च 1, और आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देने के बाद आपको कैप्चा एंट्री के लिए बोला जाएगा 465865 जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही आपको जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। उसके लिए आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लेंगे और अपने पास रख लेंगे इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब और कई बार क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो जाता है तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है, बट यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का, आप अपनी डिटेल डालेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज पर आ जाएगा जो अभी कि आपने एक मैसेज लिखा है। उसके बाद क्या करना है, आपको यूजर रजिस्ट्रेशन हो चुका है फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है, और दोबारा से उसी जो क्रमांक नंबर 2 है जो एडवर्टीज़मेंट है आपका 104 वाला पट कोड ये जो है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देना है जो कि अभी आपको मिला था। नेक्स्ट है कि आपको अपना नाम लिखना है जो कि आपका था राकेश, राकेश शर्मा, ऋषि हमने लिखा था, डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी थी मार्च 1, 1980, और कैप्चा एंट्री दोबारा करेंगे हम 257719 जैसे कि यहाँ लिखा है, सबमिट। जी हाँ, देखिए अब ये वापस आ गया है दोबारा से, जो फॉर्म जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले फिल करी थी वो अभी हमारे आ गए, और हम टिक करेंगे हम किस चीज़ के लिए करें, सपोज़ कीजिए कि हम टिक कर रहे हैं सहायक प्रशिक्षक के लिए, और या फिर हम ये डेप्यूटी जो आपका डेप्यूटी ऑफिसर है इसका स्पोर्ट्स का उसके लिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ये, जैसे सहायक खेल अध्यापक के लिए हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड हैं।
जो पहले हमने फिल करी थी, उसके बाद सिर्फ हमें उस वाली पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना है। अगर आप दो के लिए कर रहे हो तो आप दो के लिए भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये कि आपको मेघा से फ़ीस अलग अलग देनी होगी। और यहाँ पे क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं या अनमैरिड हैं यहाँ पे। और इंडियन ये बहुत इजी है, आपको सारी चीज़ें पता होंगी, आप उत्तराखंड ये सारी और सेव और प्रोसीड करेंगे। और माता का नाम यहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है, सही कुछ भी लिख दीजिए जो आपके माता का नाम है, कमला। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है, यहाँ पे फ़ोन नंबर, आप दूसरा किसी अपने दोस्त का किसी फ्रेंड का नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे अपना आपको पत्राचार का पता लिखना है, स्थाई परमानेंट अगर वही तो सिर्फ यहाँ पे आपको टिक करना होता है, ये वहीं पे आ जाता है आपका एड्रेस और ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद क्या करना है, आपको भी इस फी पे फी पे जाना है और सबमिट करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या वही नाम डालेंगे और आप अपने चलान यहाँ पे बना सकते हैं और या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना होगा। अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं तो मेरे पास एक और तरीका है जिससे आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख सकते हो और उसको बाद में कभी फ्यूचर में उस इन्फॉर्मेशन को या उस प्रिंट आउट को आप किसी भी प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है। और कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है, कई बार क्या होता है कि आप प्रिंट आउट लेते हो लेकिन आप घर पर कहीं खो देते हो, आपसे कहीं मिसप्लेस हो जाता है, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में आपने फिल करा है, या फिर आप उसके बाद घर में, क्योंकि जो पोस्ट होती हैं जो जॉब्स होती हैं वो कई बार आपके 2 साल बाद 3 साल बाद उसका एग्ज़ाम होता है, तो वो चीज़ें कई बार आप मैनेज नहीं कर पाते हो। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ज़रूरी नहीं आपके पास प्रिंटर हो उस तभी आप प्रिंट आउट रख पाएँ। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही है और हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी और नई वैकेंसी के बारे में, बने रहिए। और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, और कोई सुझाव या फीडबैक है तो भी आप मेरे को लिख सकते हैं। बने रहिए मेरी नई वीडियो के लिए और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।